नमस्कार दोस्तों, एटीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सिंह संस्कृत के बारे में या संस्कृत किसी टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, हम कुछ अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम एक छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक है अलंकार। उस अलंकार के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए अलंकार को हमने पहले भी अध्ययन कर रखा है, 11th क्लास में भी किया है, और अब सॉरी सबसे पहले आपके प्रश्न आया है कि अलंकार क्या होता है। अलंकार किसे कहते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हो उसके बारे में हमें थोड़ा सा ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह है क्या चीज। तो देखिए अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की डेफिनेशन क्या है, और अलंकार किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो ये चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले अलंकार के बारे में आइए कि अलंकार किन किन उपसर्ग धातु और प्रत्ययों से मिलकर के बना है। तो देखिए अलंकार अलम उपसर्ग पूर्वकम के धातु भय प्रत्यय संयोगम पूर्वकम च अलंकार होती, अर्थात अलम उपसर्ग पूर्वक कौन सा उपसर्ग है, अलम उपसर्ग ना, अलम उपसर्ग पूर्वक के धातु से, के धातु जो है वो मूल रूप है यानी मूल धातु, तो कुछ और नहीं ये के धातु, के धातु से भय प्रत्यय मिलाने पर है ना, कि अलम उपसर्ग पूर्वक के धातु से भय प्रत्यय मिलाने पर क्या होता है, अलंकार शब्द का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बच्चों, समझिए अलंकार का निर्माण इन तीनों से मिलकर के बना है, अलम उपसर्ग के धातु और भय प्रत्यय से मिलकर के अलंकार शब्द का निर्माण हुआ है। सही है, चलिए अलंकार शब्द का अर्थ क्या है, ये सही है, लेकिन डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल देखिए अलंकार शब्द से अर्थ है, अलंकार शब्द का अर्थ है कि सजावट, गहना, आभूषण, अर्थात हम अपने समाज में जो प्रयोग करने वाले शब्द हैं, जैसे हमारी माता बहने हैं जो अपने अपने शरीर को सजाने के लिए कुछ आभूषण का प्रयोग करते हैं, तो आभूषण भी क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। या जो भी कुछ गहने वगैरह पहनते हैं गहना भी क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। कोई भी गहना आभूषण यदि पहना जाता है तो वह सजाने के लिए पहना जाता है, वो भी क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। तो अपनी सुंदरता दिखाने के लिए किसी भी वाक्य की, किसी भी काव्य की सुंदरता दिखाने के लिए शब्द और अर्थों के माध्यम से, शब्द अर्थ रूपी आभूषण विधियों के माध्यम से जिसकी सुंदरता, जिसकी शोभा कही जाती है या जिसकी शोभा को दर्शाया जाता है वो अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों, अलंकार होता है। चलिए अब आती है बात अलंकार की परिभाषा के बारे में, परिभाषा क्या होती है अलंकार की। तो देखिए लिखा है Okay.